व्हाट्सअप व्हाट्सअप राउडीज, तो आज मैं इन दो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, एक तो इंस्टाग्राम पेड ब्लू टिक रिव्यू और दूसरा व्हाट्सएप स्टोरी क्वालिटी के बारे में। फाइनली 700 रुपये भर के मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई करवा लिया, मतलब ब्लू टिक खरीद लिया और मुझे ये बेनिफिट्स मिले। एनहांस वेरीफिकेशन मतलब वही ब्लू टिक लगा हुआ मिलेगा, अकाउंट प्रोटेक्शन टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करो सेम चीज़ें, कस्टमर सपोर्ट अगर आपको कुछ तो बहुत बड़ी क्वेरी आ रही है इंस्टाग्राम पे तो वो जल्दी रिजॉल्व होगी, एक्सक्लूसिव स्टिकर में ये मजाक मिलता है आपको, एक्सेस टू ट्रायल फीचर अगर आप इंस्टाग्राम का बीटा टेस्टर जब भी ओपन होता है तो उसको ज्वाइन कर लो, फ्री में ज्वाइनिंग मिलता है, प्लस ये ट्रायल फीचर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। सबसे बकवास चीज़ मेरे को ये लगी कि यूज़र नेम और प्रोफाइल पिक्चर आप पूरे 30 दिन में सिर्फ 2 बार चेंज कर सकते हो, और जितनी बार भी आप चेंज करोगे तो आपको अगेन वो आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, उसका फोटो निकलेगा, फिर 7 से 8 घंटे लेगा वो वेरीफाई करने के लिए और फिर जाके वो चेंजेस पब्लिश होंगे। एक ही अच्छी बात है इसमें कि रिफ़ंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने 10 दिन के ऊपर यूज़ कर लिया तो रिफ़ंड होगा या नहीं, तो मैंने प्रोसेस मतलब सबमिट तो कर दिया है, अभी वो अंडर प्रोसेस है, आ गए तो आ गए, पैसे मैं अपने सर्वर में लगा दूँगा। अब व्हाट्सअप के बारे में बात करते हैं। व्हाट्सअप स्टोरी में जब भी हम लोग वीडियो या फिर फोटो अपलोड करते हैं तो वो मोस्टली एंड्रॉयड के केसेस में ब्लरी या फिर पिक्सेलाइट हो जाती है, तो उसके लिए भी एंड्रॉयड में एक रीसेंट अपडेट आया हुआ है जिसमें आप लोग स्टोरेज डेटा में जाओगे तो आप मीडिया क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा उसे बेस्ट क्वालिटी रखो। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अगर आप एक सीन को रिकॉर्ड कर रहे हो और दूसरे सीन को अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो तुरंत हाथ मूव मत कर लेना, धीरे धीरे मूव करना ताकि वो फ्रेम स्टेबल रहे। एडिटिंग जब भी कर रहे हो वीडियो की कोई भी ऐप में हो तो मेक श्योर कि 25 FPS रखो, और उसकी वजह से फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा और वो पिक्सल पिक्सल जो दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे। और नया मोबाइल ले रहे हो तो मेक श्योर कि स्नैपड्रैगन जनरेशन 8 7 जो भी हो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर रखो, वो मोस्टली व्हाट्सएप की जो स्टोरीज होती है या फिर इमेज प्रोसेसिंग जो भी होती है वो बेटर करता है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।